हर मनुष्य को या हर व्यक्ति को अपने बारे में अच्छे से जानकारी होती है। उसे सब कुछ पता होता है कि वो क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है, क्या सही है और क्या गलत है। ये जानते हुए भी मनुष्य अपने जीवन में ऐसी कई सारी गलतियां करता है और करता ही रहता है, जबकि उसे सब कुछ पता है कि जितने भी गलत काम वो कर रहा है और उसे पता है कि ये सारे काम गलत हैं, लेकिन फिर भी वो करता है। तो क्यों करता है? दुनिया में पाप इतना बढ़ गया है, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में बढ़ गई है, और ये जानते हुए भी कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन फिर भी उस चीज को वो अपने अंदर ऑब्जर्व करता है कि ये चीज गलत है, फिर भी वो गलत की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारी संगत की वजह से। हम कहाँ रहते हैं, किस वातावरण में रहते हैं, किन लोगों के साथ में रहते हैं। मनुष्य को सारी चीजें दिखाई देती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, ये जानते हुए भी वो अपने आप को कभी रोक ही नहीं पाता है और पाप करता ही रहता है, कुछ ना कुछ अपराध ऐसे करता ही रहता है जो कि दुनिया के हिसाब से सारी चीजें गलत है, और फिर वो एक दिन पाप का भागी बन जाता है। और सबको पता है कि इस जन्म के पाप या तो फिर इसी जन्म में भुगतने पड़ेंगे या फिर अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। ऐसा है ही नहीं भगवान की हिस्ट्री में भी कि किसी भी पाप को छोड़ दिया जाए और माफ कर दिया जाए। एक अच्छी बात बताता हूँ आपको कि एक स्टूडेंट होता है जो अपनी लाइफ में पूरी साल पढ़ाई नहीं करता है, एग्जाम आने से एक महीने पहले वो अपनी पढ़ाई को शुरू करता है। तो इसका मतलब क्या है? वो एग्जाम में अपना पूरा 100% दे पाएगा या एक महीने की तैयारी में वो कर सकता है जो उसने शायद पूरी साल में ना किया? ऐसा कभी होता ही नहीं है। मेरा कहना है कि अगर आपने पूरी साल पढ़ाई करी होगी तो आप अगर एक दो दिन नहीं पढ़ोगे तो उससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, या उसको लेकर के आपकी पढ़ाई में कोई भी गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी होगी और आप एक दो महीने पढ़ लेते हो तो उससे भी आपकी जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप एक दो महीने पढ़ तो लोगे लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तब तक एग्जाम आ जाएंगे और फिर वही होता है, सबको पता है एंड रिजल्ट में क्या होता है। तो आपको अगर पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, सबको पता होता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोई भी कुछ भी गलत कर रहा हो और उसे ये ना पता हो कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, सबको पता होता है लेकिन फिर भी वो गलत करता ही जाता है। तो इस चीज को पहले तो सीखना सीखो, अपने आप को समझना सीखो कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम्हारा काम इस दुनिया में पाप को बढ़ाना नहीं है, पाप को खत्म करना है। तुम्हारा काम है नई जनरेशन को अच्छी शिक्षाएं देना, वो तो कहीं हो ही नहीं रहा। तो जितना हो सकता है आपसे, आप जितना कर सकते हो अच्छा उतना अच्छा करो, करने की कोशिश करो, और सामने से अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे भी रोकने का प्रयास करो। अगर पाप हो रहा है और आप पाप देख रहे हो तो उस पाप को अगर आपने नहीं रोका, उस पाप में आप भी सम्मिलित हो गए, आप भी उस पाप के भागी जरूर हो जाओ। अगर कोई पाप हो रहा है और उसे आपने रोक दिया या उस पर एक्शन लिया तो आप कहीं ना कहीं उस समाज के लिए अच्छे हो जो लोगों की निगाह में थोड़ा सा भी बुरा कर रहा है उससे तो आप कहीं ज्यादा बेहतर हो। आवाज उठाना सीखिए, गलत हो रहा है गलत होने देना नहीं है, कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पर एक्शन लो। आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों की हेल्प लो, लोगों की हेल्प नहीं लेनी है तो पुलिस डिपार्टमेंट है, उस पर हेल्प लो। मेरे कहने का मतलब ये, कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करो जहां तक आपसे हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कोई कहीं लड़ाई हो रही है जहां चार आदमी लड़ रहे हैं वहां आप भी जाकर रुक जाइए, ऐसा नहीं करना है। उस लड़ाई को रोकने के लिए आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है, देन पुलिस आएगी उनको पकड़ के ले जाएगी। अगर आपने देख करके और आपने इग्नोर कर दिया उसको, कहीं ना कहीं उस लड़ाई में आप भी सम्मिलित हो। कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा, मैं तो उसे सबसे अच्छा योद्धा मानता हूँ, भीष्म के बाद मैं महाभारत में अगर किसी को मैं सबसे अच्छा मानता हूँ तो वो है कर्ण। लेकिन कर्ण का क्या था कि उसने कौरवों का साथ दिया, उसने अधर्म की तरफ साथ दिया, इसलिए कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान जी ने ये बात कही थी कि मैं कर्ण को अपना मित्र मानता हूँ, और वो मित्र थे। और श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि मैं कर्ण के रथ का सारथी बनूं, लेकिन क्या था कि उसका जो पलड़ा था वो अधर्म की तरफ था, जिस वजह से श्री कृष्ण जी उधर नहीं गए थे। कहीं ना कहीं महाभारत जो है उसका अगर किधर से भी आप देखो तो हर जगह लड़ाई ही आपको मिलती है। और लड़ाई, अगर मेरा मानना है कि महाभारत कहाँ से शुरू हुई थी तो वह मैं बताऊंगा
स्टार्टिंग जो पॉइंट है महाभारत का वो ये है कि जो कुंती थी पांडवों की पत्नी, जो पांडवों की माता थी पांडवों की, उन्होंने कर्ण का सच छुपाया हुआ था, जिस वजह से ये महाभारत का युद्ध हुआ था। अगर महाभारत का युद्ध लास्ट में जाकर के दुर्योधन ने भी यही कहा था कि अगर मुझे ये पता चल जाता कि कर्ण हमारा सबसे बड़ा भाई है, वो अपने गुरु की शपथ ले रहा था कि मैं सारा सारा राज्य उसे ही दे देता, और जब राज्य उसे मिल जाता तो फिर लड़ाई नहीं। कहीं ना कहीं इस जो कर्ण के सच को कर्ण की माता जी ने छुपाया था, उसी से महाभारत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं उसे वहीं से मानता हूँ। बाकी महाभारत तो मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी है, आप भी जा करके देखिए और वहां से कुछ ना कुछ सीखते रहिए। स्ट्रगल इज द अनदर नेम ऑफ लाइफ एंड लर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो स्टिल लर्निंग एंड ग्रो योरसेल्फ। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य आपकी आपकी जिंदगी में होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ सीखते रहिए और कुछ अच्छा करते रहिए। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, आपको देख करके लोग इंस्पायर होंगे, तो वहां से भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कामना करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ जिसमें वीडियो में जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।